हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि 2024 में यहां पर लॉन्च हुआ है और इसकी जो एनएवी है बहुत ही सस्ती है। अगर आप 1,00,000 रुपए इसमें निवेश कर देते हैं और आप 5 साल बाद पैसे को निकालते हैं तो कम से कम आपका 2 से 3 गुना तो आपका पैसा हो ही जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है और इस म्यूचुअल फंड की आपको A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर इस म्यूचुअल फंड का मैं चलिए आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि SBI ऑटोमेटो ऑपर्चुनिटी फंड रेगुलर प्लान, ठीक है। अब ये एक रेगुलर प्लान है, कहने का मतलब है अगर आप बैंक में जाएंगे तो रेगुलर प्लान को जो बैंक मैनेजर हैं वो आपको पहले बताएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं लेते हैं, ठीक है, और आप मन बना के नहीं जाते हैं कि भाई मुझे ये वाला प्लान नहीं लेना है, ठीक है, तब आप वहाँ पर दूसरा प्लान ले सकते हैं, ना तो अन्यथा आपको बैंक मैनेजर हैं वो आपको रेगुलर प्लान ही बताएंगे। वो क्यों बताते हैं, क्योंकि उसमें उनका एक फ़ायदा होता है, 2 से 3 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाता है 1,00,000 पर, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए वो इस प्लान को रेगुलर प्लान होते हैं, वो ने ज़्यादा आपको बताते हैं, ठीक है। अब जो एनएवी आप यहाँ पर देख सकते हैं 10.46 है। एनएवी एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है, एनएवी होती है नेट एसेस वैल्यू, इसकी फुल फॉर्म है नेट एसेस वैल्यू, ठीक है, पर नेट एसेस वैल्यू। अब इससे हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि एनएवी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं लगे हाथों। एनएवी का मतलब होता है जब भी कोई म्यूचुअल फंड ओपन किया जाता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड एक एसबीआई की स्कीम है और उस स्कीम को जब ओपन किया जाता है तो उसमें कुछ फंड को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब उसमें फंड कितना है, 1,00,000 रुपए मान लेते हैं, हालांकि वहां तो करोड़ों में होता है, वो चलिए आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो वहां पर अगर मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए या फिर 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए उसमें पैसे को निवेश जमा किया गया उस म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो उसमें 10 रुपए के हिसाब से एक एनएवी बना दी जाती है, ठीक है। और वो एनएवी ना तो घट सकती हैं, यानी कि ना तो कम हो सकती हैं एनएवी, ना बढ़ सकती हैं, सिर्फ उसकी एनएवी की जो वैल्यू है वो घट सकती है और बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब है एनएवी महंगी हो सकती है, सस्ती हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यानी कि 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि एकदम ये न्यू म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड का जो साइज है, ठीक है, तो वो है यहाँ पर 6,144.33 करोड़ रुपये इसमें निवेश किया गया है, ठीक है, जो कि इस फंड का साइज है, ठीक है। यहाँ पर जो फंड कैटेगरी है वो है इक्विटी और यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5,000 रुपए से आप कम में कम इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है, और ये फंड ऑप्शन यानी कि ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पैरामीटर जो कि वेरी हाई है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि इसके फंड मैनेजर हैं वो है तन्मी देसाई और प्रदीप कसवन, ठीक है, जो कि इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि इस फंड को मैनेज करते हैं, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। जो भी फंड मैनेजर होता है वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होता है कि आखिर किस कंपनी के जो शेयर हैं वो घटेंगे कब और बढ़ेंगे कब, ठीक है, वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, और वो उनका जो काम होता है वो सिर्फ यही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर क्रोम में आपको लेकर चलता हूँ, जो कि इसका ग्राफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कुछ मोटी मोटी बातें हैं वो चलिए हम जान लेते हैं, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड में क्या लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हाँ, म्यूचुअल फंड कोई सा भी सही, आपके पैसे यहाँ पर डूब सकते हैं। क्या सारे ही पैसे डूब जाएंगे या फिर कम पैसे डूबेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सारे पैसे इसमें कभी भी नहीं डूब सकते हैं, ठीक है। आपका इसमें लॉस तो हो सकता है पर इसमें सारे पैसे आपके कभी भी नहीं डूबेंगे। अब लॉस किस तरीके से होगा वो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि आपने इसमें 1,00,000 रुपए यहाँ पर जमा किए, ठीक है, और जब जो इसके म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं वो अलग अलग कंपनियों में कम से कम 10 से 20 कंपनियों में वो पैसे लगाएंगे आपके 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब ऐसे में हम मान लेते हैं कि वो पैसे लगाते हैं 10 कंपनियों में, ठीक है, जो कि हमने 1,00,000 रुपए जमा किया तो वो 10,000 रुपए करके 10 कंपनियों में लगा देंगे। अब ऐसे में कंपनी हो जाती हैं 10, तो 10 कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। अब ऐसे में 3 कंपनी जब लॉस कर देती हैं तो बची कंपनी 7 और 7 कंपनियों में से 3 कंपनी हम मान लेते हैं कि रिपेयर कर दिए जो हमारा लॉस था, ठीक है। अब यहाँ पर बची कंपनी कितनी,
चार, जो कि चार कंपनियों को जो प्रॉफिट होगा वो हमारे यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। वो कहाँ पर दिखाई देता है वो भी मैं आपको बताऊंगा पर बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड कुछ प्रॉफिट करता है। और ऐसे में लॉस कब होता है, जैसे कि पूरा भारत ही लॉकडाउन हो जाए, कंपनियाँ सारी बंद हो जाए, तो ऐसे में यह है ना तो काम चलेगा ना कुछ, तो शेयर जो बाज़ार है वो यहाँ पर डाउन हो जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि उस समय जब कोविड-19 लगी थी तो पूरा भारत लॉक था, ठीक है, यानी कि ना तो कोई कहीं पर जा सकता था, ना तो कोई कारोबार, ना कोई कंपनी चल रही थी, ठीक है। तो ऐसा होता है तब आपकी जो म्यूचुअल फंड में लॉस हो सकता है, ठीक है। मगर फिर भी वहाँ पर जो फार्मेसी से रिलेटेड, जैसे कि डॉक्टर से जो दवाइयों से रिलेटेड थे, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड थे उनमें उन्हें ग्रोथ मिली, ठीक है। तो ऐसे आपको ये समझना है कि सबसे पहले आखिर आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में म्यूचुअल फंड में हम निवेश क्यों करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फीस है आपको 1,00,000 रुपये पे आपको 1,000 रुपये आपको फंड मैनेजर को देने होते हैं, तभी वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। ये बात शायद कोई आपको ना बताए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि 1,000 रुपये अगर आप 1,00,000 रुपये इसमें जमा करते हैं तो आपको 1,000 रुपये फंड मैनेजर को जमा करने होंगे, यानी कि देने होंगी फीस उनकी, ठीक है। तब आपके 99,000 रुपये बचे तो वो अलग अलग कंपनियों में लगा के आपको प्रॉफिट करके देंगे। तो ये फंड मैनेजर का काम होता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसमें लॉस किस तरीके से हो सकता है और प्रॉफिट किस तरीके से होगा। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर हम म्यूचुअल फंड में ही पैसे को निवेश क्यों करें, हालांकि हम डायरेक्ट ही किसी कंपनी के शेयर क्यों नहीं खरीद सकते हैं। तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, पर आपको उसके बारे में करेक्ट पता होने चाहिए कि आखिर इस कंपनी के जो शेयर हैं वो यहाँ पर ग्रोथ करेंगे, ठीक है, यानी कि डाउन नहीं होंगे। अब ऐसे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे में जो काम करते हैं वो करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्योंकि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं तभी वो काम करते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो हम ना तो हर जो कंपनी है ना तो हम उस पर नज़र रख सकते हैं कि आखिर वो डाउन हो रहे हैं इसके कंपनी के शेयर या फिर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में हमें ना तो जानकारी होती है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि इस समय ग्रोथ कर रही हैं, वो इस चीज़ में घुसे हुए हैं तो उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है। अगर आपको जानकारी है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे को ना लगाएं, और आपको जानकारी नहीं है तो मैं आप कहूँगा कि आप किसी भी कंपनी के शेयर मत खरीदिएगा, म्यूचुअल फंड में पैसे को लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमीशन आपको देनी होती है फंड मैनेजर को, यानी कि 1% के हिसाब से, और आपका जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर मिलता रहता है। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जान लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अगर आप इसमें पैसों को निवेश करते हैं और आपको 1 साल से पहले ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, क्या हम पैसे निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप पैसे को निकाल सकते हैं, पर आपको यहाँ पर जो टैक्स है वो आपको 15% लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आप 1,00,000 रुपये निकालते हैं तो वहाँ पर आपको 15,000 रुपये है आपको सरकार को देना होगा 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकालते हैं तब। और ऐसे में बात आ जाती है अगर आप 1 साल से बाद में पैसे को निकालते हैं या फिर 1 साल आपका कंप्लीट हो जाता है तो वो आ जाता है लॉन्ग टर्म में, और आप 1 साल से पहले पैसे को निकाल लेते हैं तो वो आ जाता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो अगर आप 1 साल से बाद में पैसे को निकालते हैं या फिर 1 साल आपका हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है, वहाँ पर आपको 10% टैक्स देना होता है, ठीक है। और इसी के ही साथ में आपको 1,00,000 पर वहाँ पर छूट मिलती है 1,00,000 की, ठीक है। जैसे कि हमने 1,00,000 रुपये जमा किया तो हमारा जो प्रॉफिट होगा और जो 1,00,000 रुपये होगा तो वो हमारा 1,00,000 रुपये हम निकाल के सेव कर लेंगे, ठीक है। बचा हमारा जो प्रॉफिट, अब जितना भी प्रॉफिट हुआ हो, 50,000 हुआ हो, 40,000 हुआ हो, ठीक है, तो वापस हमें टैक्स देना होगा सरकार के लिए। तो इस तरीके से तो ये म्यूचुअल फंड काम करता है। तो दोस्तों, और आप यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेहिचक मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल दे सकते हैं, आपको जवाब उसका बहुत ही जल्द से जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।